हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो हैकर। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास एक काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ जो कि एक मैग्नीशियम रिबन जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस मैग्नीशियम रिबन को मंगवाना है, अगर आपने यूज़ करने के लिए इसको आपको चाहिए मैग्नीशियम रिबन, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस मैग्नीशियम रिबन को जला के देखेंगे किस टाइप से जलता है, और इसका जो जलने के बाद इसका ऑक्साइड फॉर्म होता है उसका पीएच भी हम इस पीएच पेपर से टेस्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होने वाली है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, पर मैंने कभी इसको टेस्ट नहीं करके देखा, तो आज आपके सामने मैं इसको टेस्ट भी करके देख लूँगा। तो चलिए अब इसको जला के देखते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसके ऊपर एक ऑक्साइड की कोटिंग होती है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं ब्लैक ब्लैक सा हो रखा है। तो सबसे पहले हमने इसको सैंड पेपर से रब करने की ज़रूरत पड़ती है इसको जलाने के लिए, ताकि बिल्कुल अच्छे से काम करे। तो पहले मैं इसको सैंड पेपर से रब कर लेता हूँ, आपको फिर दिखाता हूँ इसको जलाएगी कैसी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप ऐसी एक्सपेरिमेंटल वीडियो मिस ना कर पाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अंधेरा हो चुका है और हम यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। तो हमारे पास हमारा है मैग्नीशियम रिबन, मैंने इसको अच्छे से सैंड पेपर से रब कर लिया ताकि इसकी जो ऑक्साइड की कोटिंग है वो हट जाए, और आप देख सकते हैं अच्छी तरह शाइन कर रहा है। अब मेरे पास है मेरी ब्लो टॉर्च जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको घर बनानी सिखाई थी, ये रही। तो हम इस ब्लो टॉर्च के साथ आज इसको जलाएंगे अभी। और फ्रेंड्स, अगर आपने ब्लो टॉर्च बनाना सीखना है तो मैं इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके इसको देख सकते हैं कि इसको कैसे बनानी है। तो फिलहाल सबसे पहले मैं इसको आग लगा लेता हूँ यहाँ से करके ब्लो टॉर्च के साथ अपनी, जो मैंने अपने घर पे बनाई थी ब्लो टॉर्च। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। तो अंधेरे में इसका व्यू बहुत अच्छा आएगा, तो इसको मैं थोड़ा पीछे होकर जला लेता हूँ अभी यहाँ से अच्छे से। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डिजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जल रहा है, आप देख सकते हैं अभी कितनी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैग्नीशियम रिबन कुछ इस टाइप से जलता है, आप देख सकते हैं कैमरे पे कैप्चर भी नहीं हो पा रही है इसकी जो लाइट है, वो इतनी ज़्यादा डार्क फ्लेम से जल रहा है, इतनी ज़्यादा इसकी फ्लेम इतनी ज़्यादा ब्राइट है। और जिसको जलने के बाद वाइट पाउडर इकट्ठा हो रहा है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसके बाद हम अंदर जाकर उसका पीएच भी चेक करेंगे, उसका पीएच कैसे है, उसका पीएच बेसिक है या एसिडिक है। और फ्रेंड्स, ये पूरा जल चुका है जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे इसको, और वाइट सब्सटेंस जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो इसके अंदर फॉर्म हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अंदर जाके इसका पीएच का टेस्ट करते हैं कि इसका पीएच कितना है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने इसके ऊपर से एक कटोरी हटाई, मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिला। तो मैंने देखा कि जो नीचे की हमारी जो मैंने इसके नीचे रखी हुई थी ये जो स्पोर्ट देने के लिए इसको, एक कोली हमारी जो कटोरी है इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी मैग्नीशियम रिबन के कारण कि इसने इसको ही जला दिया है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसकी काफ़ी ज़्यादा मोटी परत है, इसको आग लगाना बिल्कुल कोई ईजी बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन का जब मैग्नीशियम जलता है तो इसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अंदर चल के इसका पीएच टेस्ट करते हैं, इसका पीएच क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, जब ये बर्न हो गया था पूरे, जब हमारी कटोरी ठंडी हो गई थी, तो मैं इसको यहाँ पे अंदर ले आया हूँ, और मैंने जो इसका पाउडर है वो पूरा बारीक बना दिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ताकि हम इसका पीएच टेस्ट कर सकें। और मेरे पास यहाँ पे पीएच पेपर है, हमें जो हमें पढ़ाया गया था उसके हिसाब से इसका पीएच वो 10 होना चाहिए या यहाँ पे होना चाहिए 8 या 9 के बीच में, क्योंकि ये बेसिक होता है। अगर ये एसिडिक हुआ तो इसका पीएच यहाँ पे 1-2 के बीच में आएगा, तो इसका 8 या 9 के बीच में आना चाहिए। तो इसको पहले पानी डाल लेते हैं इसमें थोड़ा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, मैंने इसके अंदर अच्छे से पानी मिला के इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जो ये सब्सटेंस फॉर्म हुआ है इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो उससे पहले कि हम इसका पीएच चेक करें पीएच पेपर के साथ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसके वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होता है, क्योंकि जो उसका टेम्परेचर होता है बर्निंग का वो करीब करीब 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि जो हमने जलाया था ये तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा इससे कम होगा, पर जो ओरिजिनल मैग्नीशियम जलता है वो करीब करीब 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर एक बार मैग्नीशियम के अंदर आग लग जाए तो ना ही वो आग किसी पानी से बुझती है, और ना ही वो आग किसी भी, जैसे हम उसके ऊपर सॉइल गिरा देते हैं या और चीज़ें गिरा देते हैं हम उसके ऊपर, वो आग किसी भी चीज़ से नहीं बुझती सिवाय जो फोम होती है उससे बुझती है। वैसे जो फायर को बुझाने की स्पेशली फोम होती है, क्योंकि जो पानी के अंदर होती है उसके अंदर भी H2O होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका फॉर्मूला भी CO2 होता है। तो जो ये मैग्नीशियम होता है एक टाइप का थीफ मेटल होता है, वो जो वाटर होता है वाटर के अंदर से भी H2O चुरा लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके अंदर से भी O2 ऑक्सीजन चुरा लेता है, और बर्निंग में कंबशन में और ज़्यादा भड़क जाती है इसकी आग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी देख पा रहे हैं, मैंने बातों बातों में आपके सामने इसका पीएच भी चेक कर लिया है।
तो जो इसका पीएच है वो हमारे बिल्कुल सही है, जो हमने देखा था कि हाँ आना चाहिए। इसका पीएच बिल्कुल 10 आया है, 9 या 10 के बीच में आप देख सकते हैं। ये प्रूव करते हैं कि जो मैग्नीशियम का जो मेटल्स का ऑक्साइड है वो सही में बेसिक होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको इसमें कुछ नया सीखना मिला हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर आप आगे भी ऐसे एक्सपेरिमेंटल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई वीडियो, अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप करवाना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि उसके ऊपर कोई वीडियो बना सकूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।